वेरी मच एंड मैं हिंदी में ही शुरुआत करूंगा क्योंकि दिल से आवाज हिंदी से ही निकलेगी और मैं इतने शुभ अवसर पर दिल से ही कुछ कहना चाहूंगा। तो यहां पर उपस्थित श्रीयुत श्रीजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रकाश शुक्ला है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सबसे पहले मैं जब यहाँ आया तो मेरी आदत है चीज़ों को देखकर उस पर लिखने की। इंस्टेंटली अगर मैं चीज़ों को देखता हूँ तो लिखने का प्रयास जरूर करता हूँ, क्योंकि विज्ञान का छात्र हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो लिखना पढ़ना तो बचपन से आया था। तो CSIR के ऊपर चार लाइनें लिखी हैं, वो पढ़ता हूँ। उत्पन्न किए जिसने शोधार्थी महान। शोधार्थी का मतलब होता है स्कॉलर्स। उत्पन्न किए जिसने शोधार्थी महान, जिनके कार्यों के चर्चे देश विदेश में पाते मान, राष्ट्र के उत्थान में जिनका महात्म योगदान, हम सब गाते हैं उस CSIR निष्ठ का गुणगान। इसके बाद जब हम यहाँ आए तो हमें बहुत अच्छे मित्र मिले। SDP प्रोग्राम में हम लोग 10 लोग हैं और 10 लोग मित्र से एक परिवार कब बन गए कुछ पता नहीं चला। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक परिवार है। तो उनके लिए भी चार लाइनें, चूंकि हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम है फिर भी हम लोग कैसे रहते हैं ये चार लाइनें में बताऊंगा कि इन सब से बहुत प्यार मिला, बेहिसाब मिला, बार बार मिला। इन सब से मुझे प्यार मिला, बेहिसाब मिला, बार बार मिला। हम जब भी पास बैठे तो हमारी बातें होती हैं कम। हम जब भी पास बैठे, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम, हम जब भी पास बैठे तो हमारी बातें होती हैं कम, पर हम पास बैठे इस बात का हमें दिल से सुकून मिला। उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो अपनी स्वरचित कविता उत्तर प्रदेश क्या है वो आपको बताकर जरूर जाऊंगा। उत्तर प्रदेश का रस करा के जरूर जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि केरला भी जाने उत्तर प्रदेश क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा उत्तर प्रदेश के ऊपर, यूपी का छोरा हूँ, यूपी से आता हूँ, देखो अपनी बातें मैं तुमको बताता हूँ। माना ये देश है निराला, पर तुम हमको भी तो जानो जिसने देश है संभाला। हम वो हैं जिनके किस्से गाए जाते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं सबके अपने हो जाते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं। ये मान सम्मान की माटी, कट्टा बम बारूद की माटी, गद्दारों के सर्वनाश की माटी, माटी उस भारत भूमि की जिसने राम कृष्ण परशुराम दिए, माटी जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम हो, माटी जहां शारदा घाघरा गोमती और अन्य नदियों का आगमन हो। ये वो प्रदेश है, ये मेरा प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। ये वो प्रदेश है जहां, ये वो प्रदेश है जो अपनी राजनीति से देश की राजनीति बदलता है। आप लोग जानते हैं लोकसभा सीट 80 है उत्तर प्रदेश में। तो ये वो प्रदेश है जो अपनी राजनीति से देश की राजनीति बदलता है। ये हर धर्म संप्रदाय और भाषा का संगम है, तहजीब सम्मान संस्कृत का प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है जहाँ जहाँ माता पिता को भगवान से पहले पूजा जाता है, जहाँ माता पिता को भगवान से पहले पूजा जाता है, जहाँ अतिथि को भगवान माना जाता है, जहाँ कोई एक मरता है तो पूरा गांव शोक मनाता है। ये वो प्रदेश है, ये मेरा प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। अंत में जो चार लाइन मैंने लिखी इसका लास्ट का सारांश उत्तर प्रदेश का, कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश में गड़बड़ा जाते हैं कहीं भी। तो हम लोग की आदत है कि हम करके बात करने की, हमारे यहाँ ऐसे होता है। मैं बहुत कम प्रयोग करता है उत्तर प्रदेश का, देखा होगा हमने, उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल साइड से जो आता है, उत्तर प्रदेश बिहार साइड से। तो हमने लिखा, हमारे तो बात में हम होता है, मैं तो पराए करते हैं, हम तो अपना मान के ही बात करते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से है, हम उत्तर प्रदेश से है। फिर
ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इतने लैब में जाता हूँ तो अपने सीनियर्स के लिए कुछ ना लिखूं, तो मैंने कुछ तो लिखा ही होगा। तो अपने सीनियर्स के लिए मैंने यहाँ चार लाइन लिखी कि गुरु समान बड़े भैया और दीदी मिले हर लैब में। जिस लैब से मेरा तो ये मानना है कि अगर आपका कोई जूनियर भी मास्टर स्टूडेंट है और आप पीएचडी हो और अगर आप नए लैब में गए हो वहाँ अगर उस मास्टर स्टूडेंट से भी कुछ सीख रहे हो तो उसे अपना गुरु बना लो, ये आगे बढ़ने का सबसे बड़ा तरीका है। तो मैं उनको भी कहता हूँ जो मास्टर्स स्टूडेंट यहाँ पे मास्टर थेसिस कर रहे थे उन्होंने जो मुझे सिखाया, तो मैं उनके लिए भी ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर गुरु समान बड़े भैया और दीदी मिले जिनसे मिलकर हम अपने लक्ष्य से मिले, लक्ष्य भी हम पा लेंगे अगर आप सबका इसी तरह साथ मिले तो। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।